हाय एवरीवन आई वेलकम यू टू स्लीपी क्लासेस कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे हैं पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं अपनी और साथ के साथ प्रेपरेशंस भी कर रहे हैं और अपनी हेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं राइट तो ये हमारी सीरीज चल रही है बहुत इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट एम ठीक है एक्सपेक्टेड एम जो आ सकते हैं और इन एम में हम सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन पे फोकस ना डाल के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस डालते हैं ठीक है मैं लिखती हूँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो राधर देन काउंटिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन वी डू आई थिंक वी शुड काउंट द नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट विच आर गेटिंग क्लियर आफ्टर एवरी पासिंग वीडियो राइट एंड दिस एम सी क्यूज इज रिलेटेड टू गैप और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है फॉर द वस वो आर प्रिपेयरिंग फॉर यू पी एस सी ई पी एफ ओ एग्जाम ठीक है जो जल्दी होने वाला है और जब भी होगा हमें पता है हमें दिन पहले इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी राइट चलिए अभी मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास के लिए जिन बच्चों ने देखी है उनके मैंने आंसर्स पढ़े थे और उसमें से कईयों के आंसर ठीक थे लेकिन मेजोरिटी के गलत थे तो जिन बच्चों ने ये था सवाल देखिए ध्यान से देखिए जिन बच्चों ने नहीं देखा सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर इशू पार्टली पेड बोनस शेयर्स पहला ऑप्शन राइटिंग ऑफ एनी कंटेंजेंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी सेकंड राइट ऑफ प्रीमियम गिवन ऑन द इशू ऑफ शेयर्स की पेमेंट ऑफ डिविडेंड की नन ऑफ दीज जिस बच्चे ने ध्यान से सुनी है जिस बच्चे ने आंसर किया है नन ऑफ दीज वो ही ठीक है बाकी सब ने मुझे पता कहा कहा है कहाँ कहाँ गलतियां आई हैं आपकी कहाँ कहाँ वर्ड्स को के गलतियाँ की हैं एक बार ही ना पहले इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं फिर वापस इस क्वेश्चन की ओर लेके आऊंगी और फिर देखते हैं कौन से बच्चे ठीक करते हैं राइट right? चलिए इसका आंसर है वैसे नन ऑफ दीज लेकिन लेट सी सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर पहला आई सिलेक्ट हाई टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स लिखिए इसको अपनी नोटबुक्स में फुली पेड पेड अप फुली पेड अप बोनस ठीक है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट एक्सीडिंग द लिमिट लिमिट नहीं हमने पार करनी जो लिमिट है उसमें ही रहना है और पार्ट जो आपके फुली पेड बोनस शेयर है ना उनको इशू करना है एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ द अनइश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी राइट अच्छा क्वेश्चन में क्या दे रखा था इशू पार्टली पेड आपको नहीं लगता हमने क्या पढ़ा है वहां पे मैं साथ साथ इसकी करेक्शंस भी लिखती हूँ याद रहेगा आपको यस इशू फुली आना था यहाँ पे ठीक है तो पहला ऑप्शन हो गया गलत दूसरा देखिए राइटिंग ऑफ एनी कंटिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी ठीक है आगे है इसमें राइटिंग ऑफ एनी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है एक्सपेंसिज लाइबिलिटीज की तो बात ही नहीं है अभी राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑन द ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इनको भी राइट ऑफ करना है ठीक है और और देखिए टू प्रोवाइड फॉर द प्रीमियम टू प्रोवाइड फॉर द प्रीमियम दैट इज पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स उस प्रीमियम को देना जो रिडेमशन डिबेंचर उसके लिए आपको क्रिएट सिक्योरिटीज प्रीमियम से यू कैन यूटिलाइज यूटिलाइजेशन बाय बाय द कंपनी टू बैक इट्स ओन शेयर्स क्वेश्चन की ओर देखते हैं राइटिंग ऑफ एनी कंटिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी क्या यहाँ पे इसका आंसर कंटिजेंट लाइबिलिटीज आना था बताएं कंटिजेंट लाइबिलिटीज दे रखा था यहाँ पे क्या दे रखा है हमें राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कंटिजेंट नहीं है जान के लिखा था मैंने काटिए इसको यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है कंटेंजेंट नहीं आएगा अगर ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता ना तो ये आंसर ठीक था तो मतलब इसके लिए भी यूज नहीं होता है कंटेंजेंट लाइबरिटीज के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम राइटिंग ऑफ प्रीमियम गिवन ऑन इशू ऑफ शेयर्स हाँ हमने ना प्रीमियम ये देखो हमने प्रीमियम शब्द पढ़ा है लेकिन उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए शब्दों के साथ खेला जा रहा है ध्यान रखना है प्रीमियम को प्रोवाइड करने के लिए ना कि राइट ऑफ करने के लिए देखो किन किन बच्चे का थर्ड ऑप्शन था देख लिया मैं सारे नाम देख लिया मैंने अच्छे से देख रही हूँ कौन सा अच्छे अच्छा से पढ़ रहा है कि नहीं राइट ऑफ नहीं करना प्रोवाइड करना है बच्चे प्रोवाइड करना है प्रीमियम पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये देखो इन पांचों में कहीं पेमेंट ऑफ डिविडेंड लग रहा है आपको ये पांच है ऑप्शन आप आपकी दीज़ फाइव लग रहा है कहीं पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं है ना ध्यान से पढ़ो नहीं है तो ये, ये कहां से आगे मेहमान इनको भी काटो सारे ऑप्शन कट हो गए इसी वजह से नन ऑफ दीज जिस जिस बच्चे का नन ऑफ दीज है ना वेरी गुड शाबाश ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन हंड्रेड एंड फोर्टी एट सैलरी आउटस्टैंडिंग इज रिलेटेड टू विच अकाउंट रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की पर्सनल अकाउंट आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ टेन सेकेंड्स अच्छे से सोचना है हड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी बन गया ये क्वेश्चन कि अभी भी कर रहे हैं सोच रहे हैं चलिए इतनी देर नहीं लगानी इस सवाल के लिए सैलरी आउटस्टैंडिंग इट इज रिलेटेड टू वॉट मुझे पता है आप में से काफियों ने या तो इसको नॉमिनल अकाउंट में डाला होगा है ना नॉमिनल में डाला होगा काफी ने किस किस ने डाला एक बार येस बोलो नॉमिनल अकाउंट इसका आंसर नहीं है क्या रियल अकाउंट है फिर रियल अकाउंट भी नहीं है फिर तो पर्सनली बचता है ना इसका आंसर पर्सनल अकाउंट भी नहीं है अपना आंसर है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हम मेरा पर्सनल अकाउंट में ना इसके टाइप्स पढ़े थे वैसे अगर याद हो बाकी याद नहीं है तो इस बात की मैं गारंटी नहीं लेती हूँ लेकिन हमने ये चीज पढ़ी थी ठीक है इसका आंसर है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ये तीनों ऑप्शंस गलत है मुझे ना एक बात बताओ चलो एग्जांपल दू जब आपकी कंपनी ठीक है ये है आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब ये सैलरी देती है आपको जैसे आ, मेरा नाम है रीमा जब ये स्लीपी क्लासेस मुझे सैलरी देगा तो स्लीपी क्लासेस अपने अकाउंट में सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ना एक्सपेंस है स्लीपी क्लासेस का ये और ये मुझे सैलरी दे रहा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट होगा लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेबिट साइड में रुकिए रुकिए अच्छे से बना देते हैं अकाउंट ही पूरा बना देते हैं डेबिट साइड में टू रीमा लिखता है नहीं सैलरी दे रहा ना वो मुझे क्या लिखेगा टू सैलरी दे रहा है वो टू सैलरी लिखेगा स्लीपी क्लासेस क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं हूं मेरे जैसे और भी हैं टीचर्स जो आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं है ना और भी तो हैं टीचर्स पॉलिटी पढ़ाते हैं ये पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं तो सबको दे रहे हैं तो यहाँ वो रिकॉर्ड किस माध्यम से करता है टू नाम नहीं लिखेगा टू रीवा नहीं लिखेगा टू सैलरी लिखेगा और ये सैलरी एक तो राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है ये देखो टू सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है हमको हम टीचर्स को राइट इसी वजह से जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है अभी देनी है दी नहीं है देनी है इट इज रिलेटेड टू रेप्रेजेंटेटिव अकाउंट राइट अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग आएगा राइट right? अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे करंट लाइबिलिटीज आर सच ऑब्लिगेशन which are to be satisfied within one year within two years within three years of above चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं इसके करंट लाइबिलिटीज ये देखिए करंट लाइबिलिटीज हमारे ना अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं ठीक है हम अकाउंट्स के बच्चे अकाउंट्स में ना दो तरह की डिविजन होती हैं एक तो करंट हमें पता है और दूसरी कौन सी होती है नॉन करंट जो करंट है ये देखिए जो करंट है इट इज रिलेटेड टू अप टू वन ईयर और दिस इज रिलेटेड टू मोर देन वन ईयर ये है एक साल से ज्यादा मोर देन वन ईयर ये है इक्वल्स टू और लेस देन लेस देन और इक्वल्स टू वन ईयर ठीक है अगर ऐसा हुआ तो अपनी वो करंट बन जाएगा और अगर ज्यादा हुआ तो नॉन करंट अब ये करंट में ना अगेन वी हैव टू डिविजन्सुक कौन कौन सी है वो करंट एसेट्स और दूसरी करंट लाइबिलिटीज़। और अगर मैं नॉन करंट की बात करूं तो अगेन सेम डिविज़न्स हैं अपनी नॉन करंट एसेट्स और यहाँ पे करंट लाइबिलिटी सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटीज मुझे ना एग्जाम्पल दो जल्दी से करंट एसेट का क्या एग्जाम्पल है <coughs> जल्दी, जल्दी 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 लिखो जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं अभी लिखो बिल्स रिसीवेबल हाँ ठीक है वेरी गुड बिल्स रिसीवेबल डेटर्स अच्छा वेरी गुड स्टॉक भी आता है क्या बात है बहुत कुछ आता है करंट लाइब्रिटीज में बिल्स पेबल हो गए हमारे ठीक है क्रेडिटर्स वगैरह हो गए और राइट right. अच्छा नॉन करंट एसेट्स में एसे क्या होंगे अपने नॉन करंट एसेट्स एसेट्स वेरी गुड फिक्स एसेट्स में जैसे मशीनरी वगैरह राइट और कुछ इन्वेस्टमेंट्स ये सारा हमने किया हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सी आएंगी अपनी डिबेंचर्स वेरी गुड बैंक लोन अगर वो लोन आपका एक साल से ज्यादा है तो ये सब है और ना कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ये आपसे पूछा जाएगा कि बिल्स रिसीवेबल स्टॉक एंड डेटर्स आर पार्ट ऑफ वॉट तो यू नो नाउ कि इट इज पार्ट ऑफ करंट एसिड्स बिल्स पेबल किसका पार्ट है क्रेडिटर किसका पार्ट है करंट लाइबिलिटीज का तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो हम एक ही कॉन्सेप्ट में हर चीज को क्लियर कर रहे हैं करंट लाइबिलिटीज आर सच ऑब्लिगेशन विच आर टू बी सेटिस्फाइड कहाँ लिख रही है हमें करंट लाइबिलिटीज कहा दिख रही है यहाँ पे अप टू वन ईयर विद इन वन ईयर इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है ए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन डेढ़ सौ हो गई अपने एक शतक और प्लस आधा शतक कर लिया है एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम आर सिंपल सिस्टम मोर सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेसेस इन फ्लेक्सीबल सिस्टम इकनॉमिकल सिस्टम सोचिएगा इसको टेन सेकेंड आविथ यू चलिए इजी है वैसे है ना मुश्किल नहीं है इसका आंसर है अपना ए सिंपल जैसे क्वेश्चन इजी है आंसर भी इजी है मतलब सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है सिंगल एंट्री अच्छा इस सवाल से पहले एक चीज पूछूंगी डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है जो हम आज तक करते आए हैं वेरी गुड क्या करते आए हैं आज तक दो चीजें पढ़ते हैं मेन अकाउंट्स में दो चीजें दो अकाउंट्स इम्पैक्ट होंगे वो कौन से हैं आपके डेबिट और दूसरा क्रेडिट दिस इज योर डबल एंट्री सिस्टम है ना कोई भी एक ट्रांजेक्शन हो आपके उस ट्रांजेक्शन का चाहे कोई भी हो कोई भी सोचो आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन कोई भी उसका इम्पैक्ट डेबिट साइड में भी होगा और क्रेडिट साइड में भी होगा लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है वहां पे डेबिट और क्रेडिट दोनों नहीं आते सिर्फ एक ही एंट, ए, एक ही होता है जैसे हमारी नॉर्मल ट्रांजेक्शन में ना कैश फॉर एग्जाम्पल कैश टू सेल्स अगर मैंने सेल्स करी है दस हजार रुपए की तो मेरी ये एंट्री आती है डबल एंट्री सिस्टम में लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ना हम ऐसे डबल चीजें नहीं पास करते सिर्फ एक सिंगल सी चीज लिख देते हैं दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम वहां देखो देखो कितनी अब एक नॉर्मल बिजनेस है अगर आप में से आपके कोई फ्रेंड्स होंगे हालांकि अब तो आपको अकाउंट्स आती है बेसिक अकाउंट्स आती है आपको अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिनको अकाउंट्स नहीं आती है लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जब बिजनेस बनाते हैं ना तो उनको ये सारी चीजें भी लिख अकाउंट तो प्रिपेयर करने पड़ेंगे ना ये देखने के लिए कि प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरी एसेट्स कितने हैं बिजनेस में ये सारी चीजों के लिए लेकिन अब हर बिजनेस को अकाउंट्स तो नहीं आती वो डबल एंट्री सिस्टम तो अपना नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज है डेबिट और क्रेडिट की तो वहां पे सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है क्योंकि वो क्या है सिंपल राइट right. देखो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या लिखा हुआ है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग और सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिंगल एंट्री बुक कीपिंग और सिंगल एंट्री अकाउंटिंग इज इट इज अ मेथड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अब यहां दो साइड की नहीं होती बात डेबिट और क्रेडिट की बात नहीं होती सिर्फ वन साइड की बात होती है राइट अगला क्वेश्चन देखे नेक्स्ट मूव हेड नाउन ओके okay, ओके okay. उससे पहले और भी हमें जरूरी बातें जाननी है जो अगर यहां से क्वेश्चन आए तो उम्मीद है बना पाएंगे आप सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में फर्क क्या है डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल दी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम बोलता है दैट इट इज मिक्सचर ऑफ डबल एंट्री वन एंट्री एंड नो एंट्री सिर्फ एक एंट्री पास करेंगे दूसरी नहीं पास करेंगे वेरियस सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन्ड में लेकिन यहाँ कोई भी सब्सिडरी बुक नहीं बनाएंगे सिवाय एक्सेप्ट कैश बुक बस कैश बुक बनेगी अपने को ये देखने को कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है ये तो मेन चीज है ना बिजनेस देखता है तो बस वो बनाएगा बाकी और कुछ नहीं बनाएगा सॉरी लेजर कंटेन्स पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट तीन तरह के अकाउंट होते ना पर्सनल रियल और नॉमिनल तो लेजर इन तीनों के बारे में बात करता है लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम है लेजर रिकॉर्ड ओनली कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट यहां मेरा रियल अकाउंट भी इग्नोर किया जाएगा नॉमिनल अकाउंट भी इग्नोर किया जाएगा प्रेपरेशन ट्रायल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज पॉसिबल हेयर यहाँ पॉसिबल नहीं है कोई मुझे कारण बता सकता है पॉसिबल क्यों नहीं है देखो ट्रायल बैलेंस बनाने वक्त ना कैसा होता है स्टेटमेंट होती है ऐसा ही दिखता है ना इधर डेबिट इधर क्रेडिट तो वहां तो दोनों साइड्स इन, इन्वॉल्व होनी चाहिए और तभी तो लास्ट में बैलेंस हो जाएगा तभी इसका नाम ट्रायल बैलेंस है लास्ट में दोनों चीजें बैलेंस हो जाती हैं लेकिन

और यहाँ पर भी इसका जो फॉर्मेट है ये यूनिफॉर्मल होता है, यूनिवर्सल होता है राइट इधर देखिए ओनली रफ एस्टिमेट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज मेड बस रफ एस्टिमेट्स बना लेते हैं मेन ध्यान अपना कैश बुक पे होता है वो होनी चाहिए राइट अगले क्वेश्चन देखिए चलिए हंड्रेड एंड फिफ्टी वन A returns inward appearing in the trial balance is deducted from. It is deducted from purchases, sales, return outwards. Are both A and C? चलिए इसका आंसर इजी है लॉजिक लगाओ बस समझ में आ जाएगा इसका आंसर है सेल्स अम, ये है आप ये है ठीक है आपने ना इनको सेल करी ये आपके कस्टमर है दिस इज योर कस्टमर और ये है आप आपने इनको सामान बेचा और इन्होंने आपको क्या दिया पैसा दिया कैश आपने इनको गुड्स वगैरह बेचे गुड्स की सेल हुई अपनी राइट right? तो आपके बिजनेस में से क्या चीज माइनस हो गई गुड्स गुड्स पहले इतने बचे थे है ना इतने गुड्स थे मेरे आ, लेकिन वो जा चुके हैं तो गुड्स माइनस हो गए राइट मतलब कम हो गया उनका बैलेंस कोई चीज जाएगी ये ये जो है आपके कस्टमर हैं ये आपको ना जब वापस करते हैं अब जरूरी नहीं है आपने जो इनको सामान दिया इनको पसंद आया है ना कभी कभी ऑनलाइन डिलीवरी होती है जब ऑनलाइन हम सामान मंगवाते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आता तो वापस नहीं कर देते बताए, कर देते हैं ना तो वो रिटर्न इनवर्ड इसके, इसके लिए जो सेलर है रिटर्न इनवर्ड मतलब जो मैंने सेल करी थी उस सेल में से मुझे सामान वापस वापस मिला है सेल वापस मिली है मुझे दैट इज माई रिटर्न इन देखो यार बिजनेस में ना मेरा स्टॉक था दस हजार का पड़ा था मैंने दस का दस हजार बेच दिया मैं बहुत खुश है देखो चेहरे में मुस्कान देख पा रहे हैं हाँ दस हजार रुपये मैंने बेच दिया ये है कस्टमर भाई मेरे को सारा सामान नहीं चाहिए एक्स्ट्रा भिजवा दिए हो तुम दो हजार माइनस कर दो वापस भेज रहे हैं दो हजार ठीक है शक्ल थोड़ी सी उतर भी गई कोई बात नहीं तो दो हजार वापिस आ गया ना तो रिटर्न इनवर्ड हो गए ना इसके लिए तो इनकमिंग हो गई तो ये रिटर्न इनवर्ड सेल्स बात क्लियर है आगे चले चलो क्वेश्चन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू डीमेरिट्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम और फुल कंट्रोल हो ऑन एसेट्स इजीनेस इन प्रिपेरिंग द बैलेंस शीट इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इम्पॉसिबल मुझे पता है कोई दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगी आपको लेकिन देखते हैं कितने बच्चों का ठीक होता है मुझे पता है आप कहेंगे मैम अभी कुछ देर पहले पता है कि इसे ट्रायल बैलेंस नहीं बनता तो ये डिमेरिट नहीं हुआ सिंगल एंट्री का ऑफकोर्स हुआ मैंने कब डिनाई किया लेकिन आप देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है किस मेन प्रॉब्लम की वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं बन पा रहा क्योंकि यहाँ पे मेरी सिंगल एंट्री है सिंगल एंट्री है ठीक है मतलब डेबिट क्रेडिट नहीं होगा और ट्रायल बैलेंस मुझे दोनों चाहिए डेबिट और क्रेडिट तो ये है इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक सिस्टम और इसी डिमेरिट की वजह से मैं ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाता हूँ तो मेन क्या है मेन डिमेरिट है अपना सी राइट तो इस वजह से सी है आपका आंसर लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू इनकम्प्लीट एंडसाइंटिफिक सिस्टम ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हंड्रेड एंड वॉट इज ये ना ये क्वेश्चन था जो हमने लास्ट क्लास में किया था लेकिन मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन में मैंने वापिस घर जाके देखा और मतलब घर पे ही हैं वैसे तो लेकिन वापिस उसको एनालाइज किया और समझा कि ये क्वेश्चन कुछ और कह रहा था और मैंने कुछ अलग ही समझ लिया था इस क्वेश्चन को तो सॉरी फॉर दैट सॉरी फॉर दैट और सिर्फ एक ही बच्चे ने इसका सही कमेंट्स में बोला था सिर्फ एक ही बच्चे ने डाउट अराइज किया था मतलब क्या मैं ये मानू सिर्फ एक बच्चा क्लास में अटेंटिवली पढ़ रहा था वॉट इज दर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट विच इज पेड बाय बायर इन हायर परचेज दोबारा एनालाइज करिए क्वेश्चन और जिस बच्चे ने डाउट अराइज़ किया था ना वेरी गुड वेरी गुड आपकी वजह से ही ये क्वेश्चन वापस आया है व्हाट इज दी जोनल एंट्री फॉर इंटरेस्ट पेड बाय बायो इन हायर परचेज करिएगा इसको सॉल्व आंसर देखिए इस क्वेश्चन का चलिए एक बार ये आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है सी है ठीक है ये ए बी सी डी है चारों में ए लिखा हुआ है जर्नल एंट्री ऑफ इज पेड बाय बायर बायर इन हायर बुक्स में एंट्री क्या होगी देखो हमें पता है ना कि बायर क्या पे करता है उसको इंस्टॉलमेंट के साथ साथ क्या पे करता है इंटरेस्ट इंटरेस्ट उसका क्या होता है एक्सपेंस होता है राइट इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस होता है अच्छा ठीक है नॉमिनल uh, अकाउंट का रूल लगाए नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है आपको डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गें ठीक है अभी देख के बताएं इंटरेस्ट जो मेरा एक्सपेंस है वो मैं डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा मैं डेबिट करूंगा इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड राइट अभी आगे चीज जी, अगली चीज देखिए मैं उसको इंटरेस्ट किस फॉर्म में दे रहा हूं पैसे की फॉर्म में कैश की फॉर्म में अच्छा कैश पे आता है बैलेंस शीट का पार्ट है और बैलेंस शीट से इंस्पायर्ड कौन सा रूल है मेरा रियल अकाउंट ठीक है रियल अकाउंट का क्या रूल है क्या रूल है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट कोज आउट तो आपके पास से क्या चीज बाहर जा रही है क्या दे रहे हैं आप कैश तो कैश क्या हो जाएगा अपना क्रेडिट टू कैश अकाउंट राइट तो इसकी एंट्री ये बनती है अपनी एक और कॉन्सेप्ट में आपको यहां बताना चाहती हूं क्वेश्चन तो के हिसाब से था अगर क्वेश्चन में ये चीज लिखी होती इसको मैं इरेज कर दू चलो मैं यहां पे यहां पे करती हूं इस क्वेश्चन को ठीक है दूसरा कॉन्सेप्ट बताने लगी हुई इस क्वेश्चन से इंस्पायर्ड अगर यहां दिया होता दैट hold on hmm. journal entry for the interest which is yet not paid abhi na pay nahi kiya not paid by buyer नॉट पेड का बाय नॉट पेड बाय बायर का ये मतलब है कि उसने अभी नहीं दिया इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी नहीं देगा पहली बात दूसरी बात देखते हैं क्या आएगी क्या देना है बायर को उसको है तो वो खर्चा ही ना उसके लिए इंटरेस्ट टी, टी इंटरेस्ट अकाउंट तो अपना डेबिट होगा हो ही होगा लेकिन पुराने वाले क्वेश्चन में ना मैंने ये किया था टू कैश क्योंकि मैंने कैश पकड़ा दिया था कैश को क्रेडिट किया था लेकिन इस क्वेश्चन में ना अभी तक आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया मतलब ड्यू है इंटरेस्ट तो टू कैश नहीं आएगा ड्यू किसके अकाउंट में है ड्यू किसकी उसमें है बताएं? किसको देना है मुझे इंटरेस्ट अपने सेलर को सेलर को ही तो देना है इंटरेस्ट मैं बायर हूं ना मुझे सेलर को देना है सेलर का क्या नाम है हायर परचेज वेंडर तो यहाँ पे अगर नॉट पेड होता ना तो उसकी एंट्री बननी थी उसका आंसर बनना था ये जब ड्यू की एंट्री होती है, ठीक है इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर, लेकिन जब पेड है तो उसकी एंट्री हमारी ये बनती है राइट चलिए आई होप द कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू एंड अगेन आई थिंक वी ऑल शुड थैंक द वन हु क्लरिफाइड हिज concept here in the comments box usne doubt poocha question dobara hai so very good i don't remember your name but yes again good next question steps to be taken to calculate profit made during the year are preparation of trial balance preparation of final accounts add the drawings made by proprietor in closing capital and deduct the opening and additional capital introduced ड्यूरिंग ईयर कि नन ऑफ दब ए डी क्या होगा चलिए इसका जो भी आंसर है ना पिछले पिछले सेशन के जैसे करते हैं इसका ना होमवर्क लिखिए इस क्वेश्चन को और कमेंट्स में करिए इसका आंसर क्या लगता है और अगली वीडियो में जानेंगे कि किन किन बच्चों का ठीक था और किन किन बच्चों का गलत राइट तो इस क्वेश्चन को होमवर्क ले लीजिएगा और अच्छे से देखना है और या कमेंट जरूर करना है राइट इसी के साथ आज की वीडियो को अंत करते हैं काफ़ी कुछ नया सीखा और उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा आपको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बींग पेशेंट ऑडियंस या टेक केयर एवरी वन बाय बाय कीप ऑन प्रिपेयरिंग टेक केयर बाय